মানুষের ভাই করে দেখে গেল ফের একসাথে যাবো, ফের গেল ফের কানে আর गुंडे कहा जा सकता है जिन्हें, जो लाठी डंडा और पिस्टल से लेके आए थे, बहुत ही गलत तरीके से उन पर हमला किया है और बहुत चोटिल हैं वो, बहुत सीरियस अवस्था में आईसीयू में एडमिट है पीएमसीएच में। तो हम लोग का यही प्रशासन से डिमांड है कि तुरंत कार्रवाई किया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा भी दी जाए। और इस तरह का जिसका छात्र राष्ट्रीय जनता दल पूरे तरीके से निंदा करता है और जन अधिकार पार्टी वाले गुंडों को ये भी बताता है कि हम लोग हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, हम लोग कम नहीं आके, हम लोग पूरे मजबूती के साथ इसका जवाब देंगे। तो पूरा मामला क्या हुआ, कुछ विस्तार से बता सकते हैं क्या आखिर हुआ क्या था वहाँ पर? वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे उनमें ये कौन उपस्थित थे वहाँ पे, विश्वविद्यालय प्रभारी राहुल जी, क्या हुआ? राजनीतिक गतिविधि का केंद्र रहा है रानीघाट कैंपस पटना विश्वविद्यालय, और वहाँ पर सभी लोग राजनीति करते हैं। छात्र राष्ट्रीय जनता दल वहाँ मजबूती से और वहाँ पर अपना जो है राजनीति, और तमाम छात्र नेता वहाँ पे अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ वहाँ पर सक्रियता दिखाते हैं। तो उसी कड़ी में गगन कुमार जो छात्र संघ का चुनाव लड़े थे उपाध्यक्ष पद पर, वो अपने नेता लोगों से मिलने के लिए और तमाम राजनीतिक गतिविधियाँ में जो है वो रानीघाट कैंपस में मौजूद थे। और उसी समय उन पर जो है कुछ अज्ञात गुंडों के द्वारा, सो कॉल्ड जो है जन अधिकार पार्टी के गुंडों के द्वारा जो है उन पर जो है हमला किया गया बेरहमी से, और जिसका कारण जो है आपको यहाँ पर पीएमसीएच में वो आईसीयू में भर्ती है जी, यही मामला हुआ पूरा। तो यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं तमाम छात्र राजद नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जन अधिकार छात्र के जो तमाम छात्र नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको उनके द्वारा पिटाई की गई। और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने भी अपने फेसबुक पर छात्र नेता की फोटो डाली और उसमें साफ शब्दों में लिखा कि जन अधिकार छात्र के गुंडों ने छात्र नेता राजद के जो हैं उन पर हमला किया। आप क्या, आपने क्या देखा, क्या हुआ मामला? देखिए, हमें अभी जानकारी थोड़ी देर पहले जो है सोशल मीडिया के द्वारा हुआ, एक छात्र राजद के जो उम्मीदवार थे विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष पद के, उन पे जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी मिली कि पीएमसीएच में एडमिट हैं छात्र राजद के लोग पहले से थे, तो हमको भी जानकारी मिली, मोशन हुई जगी छात्रों के बीच में, हम लोग भी रहते हैं राजनीति करते हैं, तो परंपरा के तहत दुख हुआ कि इस प्रकार का एक साथी पर हमला हुआ, तो बहुत गलत लगा। जिस किसी ने भी कहा या जिस किसी ने भी इस तरह का हरकत किया है उसको इस प्रकार का एक्शन कानून का नहीं लेना चाहिए था। यदि कोई विवाद थी तो छात्रों के बीच में इतनी बड़ी विवाद आपस में नहीं आना चाहिए था, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। क्या आगे के लिए क्या आप लोगों ने, आज तो ये हमला हो गया, अब आगे ऐसा कुछ ना हो इसके लिए क्या तैयारी है आप लोग? ये हमला सुनियोजित तरीके से हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पर एक साजिश के तहत हमला किया जा रहा है। हमारा दो दो कैंडिडेट जो छात्र संघ चुनाव फाइट किया था, विक्रांत जो ट्रेजरार पद पे और गगन उपाध्यक्ष पद पे जो फाइट किया था, विक्रांत को भी दो दिन पहले जो है धमकी मिला कि आप जो है विश्वविद्यालय कैंपस में आप जहाँ कहीं भी हैं आपको हम गोली से जान से मार देंगे हम, तो इस तरीके की धमकी मिल रही थी इन्हें भी, और इनके मामला को हम लोग संज्ञान में ले रहे थे और जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि हमारा जो उपाध्यक्ष पद पे जो हमारा कैंडिडेट जो खड़ा था गगन कुमार, उस पर बेरहमी से हमला कर दिया गया जन अधिकार पार्टी के गुंडों के द्वारा। तो एक तरीके से एक जो है एक राजनीतिक जो है यहाँ पर जो है जो दुश्मनी और जो है हम देखने को मिल रही है कि वो हमें हम राष्ट्रीय जनता दल से वो वैचारिक रूप से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो वो हमारे कार्यकर्ताओं पर जो है वो जानलेवा हमला करके वो जो है जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सुनियोजित साजिश है राष्ट्रीय जनता दल पर, जिसे कि जो है प्रशासन, हम चाहते हैं कि इसमें जो है प्रशासन और राज्य सरकार जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई। क्या आप ट्रेजरर है, आपको भी ये धमकियाँ मिली थी? पिछले दो दिनों से मुझे धमकी मिल रही है और आज ही जाप के नेता ने मुझे कॉल करके धमकी दिया, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास,
उसको अभी हम जो है केस करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। क्या आगे के लिए सृजन आप लोगों ने क्या सोचा है? आगे अब ये मामला घटित हो गया है, गगन कुमार अभी अस्पताल में है, अब आगे छात्र राजद किस तरीके से मजबूती दिखाएगा? कल छात्र राष्ट्रीय जनता दल 11 बजे पटना विश्वविद्यालय के गेट पर पूरी मजबूती के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का काम करेगा और हमारे संरक्षक महोदय का पूरा हमें आश्वासन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और जिन लोगों ने घिनौना काम करने का कोशिश किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हम लोग पहले भी डिमांड कर चुके हैं और तेज प्रताप भैया भी इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं और प्रशासन से कल वो खुद बात करेंगे, कल इस चीज़ को लेकर वो खुद पीसी करेंगे। और ये जो जन अधिकार पार्टी के जो गुंडे जो आजकल ज़्यादा दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाएगा। अच्छा, आप क्या कह रहे थे बताइए। हमने सोशल मीडिया पे रात में देखा, गगन बहुत ही अच्छा लड़का था, ये राजनीति का उपाध्यक्ष पद पर छात्र राजनीति में खड़ा हुआ था, पटना में महागठबंधन के उम्मीदवार था। जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी में गुंडों का बोलबाला हो गया, सामाजिक न्याय की बात ही समाप्त हो गई, खास के रानी घाट में वैसे लोग का जमावड़ा हो गई है, विक्रांत को धमकी देता है। अरे सामने से तो वार कीजिए, क्या पीछे से वार करते हैं? अगर वार भी करना है तो सामने से कीजिए वार, पीछे से चोर की दरवाज़ा से आप इसको मारे बेरहमी से, वो जिंदगी और मौत में खेल रहा है। आए दिन ऐसी घटना न हो, इसमें हम लोग चाहते हैं सभी छात्र राष्ट्रीय जनता दल के एक करके कल तो 26 जनवरी के लेके तमाम विश्वविद्यालय बंद होगी, उसके बाद अशोक राजपथ भिखना पहाड़ी चारों तरफ बंद रहेगा, जब तक इसकी जो जानलेवा हमला किया है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। मैं गुड्डू यादव भिखना पहाड़ी हमेशा बंद रखेगा, इसके लिए अगर हमको जेल भी जाना होगा तो हम जेल